तो भाई इस वीडियो में बात करने वाले हैं एप्पल साइडर विनेगर के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसके बेनिफिट्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में मैं बात करूँगा इस वीडियो में। तो बिना वेस्ट टाइम को बिना वेस्ट करते हैं अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट इसका होता है, बिल्कुल मतलब इसके बेनिफिट्स कुछ ऐसे खास भी नहीं है कि आप कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, लेकिन उतने भी कम नहीं है कि आप इसको यूज़ करने से भी कतराएं। तो जो सबसे पहला बेनिफिट इसका होता है नंबर वन, वो होता है इसके डाइजेशन में। तो डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि विनेगर बेसिकली होता है क्या, एस्टिक एसिड, जो फर्मेंटेशन हम जब एप्पल्स की वगैरह करते हैं बैक्टीरियल, तो उसकी वजह से जो बनता है एस्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, तो ये विनेगर बनता है। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी डाइजेशन में हेल्प करता है, और बाकी डाइजेशन में हमारे अंदर हमारे बॉडी में भी एस्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो वही यही एस्टिक एसिड है। तो पहला इसका डाइजेशन में हेल्प होता है। जो एस्टाइल को एंजाइम होती है जो हमारी बहुत सारी एंजाइम्स को हेल्प करती है डाइजेशन में, तो वो इसी एस्टिक एसिड के पार्ट से बनती है। तो पहला पार्ट हो गया इसका डाइजेशन। दूसरा जो स्टडीज़ जो हुई है, मतलब लोगों में मिथ है, धारणा है कि ये जो डायबिटीज़ में शुगर कंट्रोल है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसके बारे में ज़्यादा लोगों में ऐसा धारणा है कि ये शुगर कंट्रोल करता है। बट जो रिसर्च है वो ये बोलती है कि अगर आप कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए जिनको जो स्लोली डाइजेस्ट होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उनमें आपकी एग्जांपल आती है जैसे ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस हो गया, एंड देन सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे आपके वाइट राइस हो गया, तो उस केस में ये हेल्पफुल नहीं है। तो जो अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं और साथ में ये ले रहे हैं, तो उतना स्लाइटली बेनिफिट है कि मतलब जो खाने के बाद जो शुगर राइज होता है उतना ज़्यादा नहीं होता। तो ऐसा भी नहीं है कि आप जो शुगर कंट्रोल के दवाइयाँ उनको छोड़ के आप ये लेना शुरू कर दें, इतना बेनिफिट नहीं है इसका, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा बेनिफिट कि एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट हो गया कि जो आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो करे, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, क्योंकि इसमें पॉलीफिनोल्स हो गए, फ्लेविनॉइड्स वगैरह जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो करते हैं, इनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं, जो आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं बॉडी में, फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं। और एक लास्ट बेनिफिट जो इसका है वो एंटी बैक्टीरियल होता है, लेकिन वो टॉपिकल 1% सोल्यूशन का एंटी बैक्टीरियल, लेकिन हमें क्या फ़ायदा इसके लेने से। तो इसमें जो गुड अमाउंट गुड बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी बॉडी में जाते हैं और हेल्पफुल रहते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो ये चार बेनिफिट्स हैं इसके। बाकी इसके जो ब्रांड्स होते हैं उसके बारे में बिल्कुल मैं बात नहीं करने वाला कि कौन सा ब्रांड सही है कौन सा नहीं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन इतना बता दूँ कि ये बनता कैसे है कि जो एप्पल्स होते हैं उनकी फर्मेंटेशन, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होती है, उसके बाद जो बैक्टीरिया एस्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, प्लस जो एप्पल का जूस होता है, तो वो जो मिक्सचर उसी को हम बोलते हैं एप्पल साइडर विनेगर। तो आप खाने के पहले ले सकते हैं इसको, सुबह उठ के ले सकते हैं 2 टेबल स्पून पानी के साथ डाइल्यूट करके। तो ये खाने के पहले या सुबह खाली पेट ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू।